हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। मैं हूं कृष्णा अग्रहरी और आज हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट सैंपल में प्रेजेंट सल्फेट के परमिसिबल अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल को देखते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट बेस्ड होता है सॉल्यूबल सल्फेट्स और बेरियम क्लोराइड के रिएक्शन पर, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। इस रिएक्शन से बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, जो सॉल्यूशन में एस सॉलिड पार्टिकल्स अपीयर होते हैं। बेसिकली इस लिमिट टेस्ट में केमिकल्स का प्रेसिपिटेशन होता है, इसलिए इसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। अब टेस्ट में यूज होने वाले रिएजेंट्स को देखते हैं। तो पहला केमिकल होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा केमिकल होता है 0.5 मोलर बेरियम क्लोराइड। इसे हम बेरियम क्लोराइड के 122.1 ग्राम को वाटर में डिसॉल्व करके प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा रिएजेंट होता है बेरियम सल्फेट रिएजेंट। इस रिएजेंट को प्राप्त करने के लिए हमें 0.5 मोलर बेरियम क्लोराइड के 15 ml को वाटर में और सल्फेट फ्री अल्कोहल के 20 ml में ऐड करना होगा। अब इसमें 0.0181% पोटेंशियल सल्फेट के 5 ml को ऐड करते हैं। अब इसे 10 ml वाटर से डाइल्यूट करके प्रॉपर मिक्स करते हैं। अगर एपरेटस की बात करें तो हर लिमिट टेस्ट में दो निस्ले सिलेंडर्स यूज होते हैं, जिनमें से एक को हम लोग एस मार्क करते हैं और दूसरे को टी मार्क करते हैं। एस मार्क वाले निस्ले सिलेंडर में हम लोग स्टैंडर्ड सैंपल के लिए प्रोसीजर करते हैं और टी मार्क वाले सिलेंडर में हम लोग टेस्ट सैंपल के लिए प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले टेस्ट सैंपल के लिए प्रोसीजर को देखते हैं। तो इसके लिए सैंपल को डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करके टी मार्क वाले निस्ले सिलेंडर में ट्रांसफर करते हैं। इस सॉल्यूशन में 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। अब सिलेंडर के वॉल्यूम को वाटर से 45 ml तक मेकअप करते हैं। अब 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करते हैं। इसके बाद इसे प्रॉपरली स्टर करते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। अब स्टैंडर्ड सैंपल के लिए प्रोसीजर को देखते हैं। तो एस मार्क वाले निस्ले सिलेंडर में हम लोग 0.1089% पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन के 1 ml को लेते हैं। इस सॉल्यूशन में 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं। सिलेंडर के वॉल्यूम को 45 ml तक वाटर से मेकअप करते हैं। अब इसमें 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करके इसे प्रॉपरली स्टर करते हैं और कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। प्रोसीजर के बाद दोनों सिलेंडर्स को 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि सैंपल सॉल्यूशन में प्रोड्यूस्ड टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में प्रोड्यूस्ड टर्बिडिटी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर सैंपल सॉल्यूशन में प्रोड्यूस्ड टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में प्रोड्यूस्ड टर्बिडिटी से कम है तो सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट और वाइस वर्सा। तो अब देखते हैं कि इस लिमिट टेस्ट में बेरियम सल्फेट रिएजेंट का यूज क्यों किया जाता है। इस रिएजेंट में बेरियम क्लोराइड, सल्फेट फ्री अल्कोहल और पोटेशियम सल्फेट की स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। पोटेशियम सल्फेट का स्मॉल अमाउंट टेस्ट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है और अल्कोहल सॉल्यूशंस को सुपर सैचुरेशन से प्रिवेंट करता है।